संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। नृत्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, मैं क्रम से एक वीडियो के जिम्मे जो पड़ जाते हैं तो हम उसको पूरा करके ही मानते हैं। हमें 6-6 महीने लग गए थे उसको संधि और कारक को ख़त्म करने में, और 6 महीने जो कुछ दिया है आपको वीडियो के सामने में मौजूद है। अगर आपने संधियों को विशेषकर विसर्ग संधि बहुत अध्ययन करते हैं और उसमें भूल भूल जाते हैं, लेकिन एक बार हमारी अगर वीडियो आपने देख ली तो ये मान के चलिए कि विसर्ग संधि के बारे में आप जीवन में नहीं भूलेंगे। और संधियों तो खैर सभी से ही आप कर सकते हैं, लेकिन विसर्ग संधि को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया। विस्तृत तो है लेकिन सूक्ष्म रूप से समझाया है, इसमें दोनों में विरोधाभास मालूम पड़ सकता है आपको, लेकिन आप जब वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा कि मेरा विरोधाभास ही आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, विस्तृत भी है और सूक्ष्म भी है। खैर, निरुक्त में बहुत सारी चीजें जान ली हैं हमने, शब्दों के हिस्से भी कर लिए हैं, ये भी जान लिया है कि शब्द नित्य होते हैं अनित्य होते हैं, क्योंकि मैंने उसको पहले ले लिया। हालांकि इन आख्यात के प्रकार जानने के बाद, भाव के प्रकार जानने के बाद उसको जानना था कि शब्द नित्य है अनित्य, लेकिन हमने उसको पहले जान लिया क्योंकि इसमें विवाद है किसको पहले लिया जाए किसको बाद में लिया जाए, हमने उसको पहले ले लिया है। सरलतम विधि से करने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने बताया 2 से 3 किताबों से अध्ययन करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि मैं जब तक किसी चीज़ को पढ़ाऊँ न पढ़ाऊँ, जब तक कि उसके बारे में मुझे कंठस्थ ना हो चीज़, क्योंकि मेरा उद्देश्य ऐसे नहीं कि किताबों से पढ़ा करके आपको सिर्फ लेपापोति करके छोड़ देना है। मैं जिसको नहीं जानता उसको पढ़ाने का मैं अधिकारी नहीं हूँ, ये मेरा अपना मानना है। तो कोशिश रहती है कि शब्दों की व्याख्याएं विस्तृत रूप से की जाए और आपको एक एक शब्द समझ में आ जाए। निरुक्त को क्रम से समझ रहे हैं हम और एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि आगे भी यही क्रम चलता रहे, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। तो चलिए सीधे चलते हैं। निरुक्त के बारे में जान रहे हैं, भाव विकार जानते हैं आज। भाव विकार अर्थात क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में एक है वार्षायणी, एक ऋषि हुए हैं या वैयाकरण आचार्य मानिए, इन्होंने बताया है भाव के विकार के बारे में। इन्होंने 6 विकार माने हैं। मैं एक काम करता हूँ, जैसे हमेशा करता हूँ, उसको संस्कृत में कुछ चीज़ें हैं उनको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में व्याख्या करेंगे तो बातें और साफ होती चली जाएंगी। चलिए इसको पूरा लिख देते हैं, है ना। षड भाव विकार भवन्तीति वार्षायणी। कह रहे हैं ये कि 6 भाव विकार होते हैं, ऐसा वार्षायणी का मत है। अर्थात क्रियाओं को इन्होंने 6 भागों में बांटा है, उसके 6 हिस्से करें। क्रिया हम जानते हैं क्रिया कितनी होती हैं और उनके अर्थ अनंत हो सकते हैं, क्रियाओं के अर्थ अनंत हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने 6 मात्र भाग किए हैं। उसके कौन कौन से हैं, इनमें पहला स्थान पर, हालांकि इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से नहीं दिया है, लेकिन मैं सुविधा के लिए समझाने के लिए आपको इस तरह से खंडित करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रथम स्थान पर है इन्होंने रखा है जायते, दूसरे पर स्थान पर रखा है अस्ति, तीसरे स्थान पर रखा है विपर्णमति, चौथे स्थान पर रखा है वर्धते, पंचमे स्थान पर रखा है अपक्षीयते, छठवें स्थान पर रखा है विनश्यति। ठीक है, अब मैंने इसके भाग कर दिए हैं, हालांकि इसमें भाग नहीं है, ये 6 ही हैं। जायते
अस्ति विपरणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जायत का मतलब होता है, यही लिख दे रहा हूं उसमें, है ना, उत्पन्न होना। अस्ति का मतलब है या रहता है। विपरणमति का मतलब परिवर्तन होना। पूरी बात नहीं, केवल एक चीज लग रहा हूं, बाकी जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना है। उत्पन्न होना, रहता है या रहना, परिवर्तन होना, वर्धते मानी बढ़ना, आप जानते भी होंगे इसलिए इसको मैं विस्तृत नहीं लिख रहा हूं। अपक्षयते मानी क्षीण होना, और विनश्यति मतलब नाश होना, ये इसके मतलब है। अब इनको विस्तृत रूप से समझाया है कि इसमें थोड़ी सी बातें विरोधाभासी हो सकती हैं, जायते अपक्षयते और क्षीण होने जैसी हैं, तो इनको कैसे कैसे समझाया है वो मैं यहां लिख दूं, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा। इसमें से एक प्रश्न अवश्य आता है परीक्षाओं में, ये आया था इस बार, आपने अगर इस बार का पेपर देखा जो नेट की परीक्षाएं देने का तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखते हैं ऐसी चीजों को, तो इसमें ये बार आया, ये आया है कि ये जो छह भाव विकार बताए वो किस मुनि के, किस आचार्य के द्वारा दर्शाए गए हैं, तो याद रखने पहली लाइन ज्यों की त्यों आ गई थी। ठीक है, चलिए इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम स्थान है जायते इति, ठीक है, दूसरा है अस्ति इति, इसकी व्याख्या फिर मैं अच्छे से करूंगा व्याख्या करते हुए लिखते हुए। तीसरा है वि परणमते इति, हो सकता है कि आपको इस तरह से ना मिले जब आप मूल पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, मैं इनकी संधियों को तोड़ तोड़ करके इनकी व्याख्या करता हूं जिससे सरल हो जाए। चार है वर्धते इति, पांच है अपक्षीयते, इति, और छह है विनश्यति इति। ठीक है, जायते इति हमने देखा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होना इसमें बोला गया है, तो जायते इति पूर्व भावस्य जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, हालांकि ये संधियां हैं इसमें, ये जुड़ा हुआ था आदिम आचष्टे, ये इसमें जुड़ा हुआ है, मैंने अलग अलग कर दिया है इसको। ना अपर भावम आचष्टे ना प्रतिषेधति, पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। ठीक है, अस्ति के बारे में कहा गया है उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम, बी परणमते इति अप्रच्य अप्रच्य अवमानस्य अप्रच्य अवमानस्य
भूतवाद विकारम। वर्धते इति स्वांगाच्यु साई योगी। का नाम स्वांगाच्युचयम सायुविकानाम वा अर्थानाम अपक्षीयते इति एते नैव व्याख्यातः प्रतिलोमम् विनश्यति इति। जैसे इसमें पूर्व भावस्य आदिमाचष्टय, इसमें पूर्व की जगह अपर भावस्य आ गया, बस इतना ही है। आदिम आचष्टय न, अब यहां पर अपर भाव होता है, पूर्व भाव आ जाएगा। पूर्वभावम् आचष्टे न प्रतिषेधति। ठीक है, यही इसकी पूरी व्याख्याएं हैं। और आज के बाद आपको ये कभी भी परेशानी महसूस नहीं होगी, एक बार याद करेंगे जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार यहां से शुरू करेंगे, पूरा देखेंगे इसकी। जायते इति पूर्व भावस्य आदिम भाव आचष्टे न पर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य भाव अवधारणम विप्रणमते अप्रच्य वमनास्य तत्वाद्विकारम। वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयम् सायोगिकानां वा अर्थानां। अपक्षीयते इति एते नैव व्याख्याता प्रतिलोमम। वनिष्यति इति अपरभावस्य आदिम आचष्टे न पूर्वभावम आचष्टे न प्रतिषेधति। एक दो बार अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मैं शुरू से इसकी व्याख्या करता हूँ। जायते इति अर्थात जितनी भी हमने जो भाव हैं अर्थात जो क्रिया है उनके कौन कौन से विकार, विकार से तात्पर्य याद रखना परिवर्तन। विकार से मतलब मैंने एक बार एक दो बार बताया है, विकार से मतलब विकृति आ जाना, उसको कोई नया रूप धारण कर लेना। जैसे सोना होता है, सोने का जब विकार उत्पन्न होता है सोने में तो वो आभूषण के रूप में, आभूषण को अगर परिभाषित किया जाए तो हमको याद रखना है कि जो आभूषण है वो सोने के विकार है। ठीक है, तो विकार का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उसमें कुछ खराबी आ गई, विकार का मतलब है उसमें कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक, जायते इसमें शब्द दे रखा है, जायते का मतलब होता है उत्पन्न होता है या उत्पन्न होना। अब कोई बीज है तो कह रहा है कि पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, यहां एक बात समझते चलना, इसको अगर नहीं समझा तो हम इसको जिंदगी भर सोचते रहेंगे कि यह मतलब क्या है इसका कहने का। पूर्व भावस्य कोई बीज है उसमें जब वो जैसे अंकुरित होता है तो उसमें हल्का सा जो जिसको किल्ला बोलते हैं एक तरह के मान के लिए अंकुरण, अंकुरण जिसको होता है उसके आदिम आचष्टे यानी पूर्व भाव के उत्पन्न होने के पूर्व भाव के आदिम को, पूर्व भाव यानी पूर्व तो है ही है, उसके भी आदिम यानी पहले के भाग को, पहले के हिस्से को आचष्टे कहता है। कौन कहता है? जायते, अर्थात जायते धातु से या जायते आख्यात से जो बात आई है वो पूर्व भावस्य आदिम। जायते है क्या इसको समझ लेना, जायते का मतलब होता है उत्पन्न होता है। अब उत्पन्न होता है क्रिया चल रही है, उत्पन्न हुआ नहीं है अभी, उत्पन्न होता है ये क्रिया लगातार चल रही है या उत्पन्न हो रहा है, एक तरह से लगातार नहीं आ जाती क्रिया, ये इंग्लिश में कंटिन्यूअस के अंतर्गत मान सकते हैं एक तरह से,
लेकिन यहाँ कंटिन्यूस में भी नहीं रख सकते, ये समस्या है इसमें थोड़ी सी। यहां तो ये बात आ रही है कि पूर्व भाग आ गया है किल्ला, उसमें से जो अंकुर है या कोई बच्चा है वो अभी पैदा हो रहा है, उसके पूर्व भाग यानी कि आदिम भाग को पूर्व भाव भावस्य यानी क्रिया का जो पूर्व भाग है उसके भी आदि के आदि भाव को कहता है। अंकुरण का जो पहला हिस्सा है अभी अंकुरित हो रहा है, होने में जो पहला हिस्सा थोड़ा सा निकला हुआ उसके बारे में ये जायते कहता है। ठीक है, अब कुछ उम्मीद समझ में आ गई होगी। बच्चा यदि पैदा हो रहा है तो अभी पूर्ण रूप से पैदा नहीं हुआ है, ये इस तरह से मानिए। वो किसी का भी हो सकता है, गाय का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, किसी का भी मानिए। तो बच्चा जायते उत्पन्न हो रहा है उसके उस क्रिया के भाव के आदिम भाव को ये कहता है जायते। लेकिन आगे इन्होंने व्याख्या कर दी है, ना अपर भावम आचस्ते, ना तो ये अपर भाव की जो बाद की जो क्रिया है पैदा हुआ नहीं हुआ क्या हुआ उसका उसके बारे में ना तो वो कुछ कहता है जायते, ना प्रतिषेधति, ना तो वो उसका निषेध करता है। हो सकता है पैदा हो गया हो सकता है कि कुछ समस्या आ गई हो, इस तरह से ये पूरा विस्तृत में है। इसको समझना कठिन पड़ जाता है, इनकी व्याख्या कठिन पड़ जाती है, हालांकि व्याख्या नहीं आती कहीं, लेकिन मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। व्याख्या कभी आती है तो वो निबंधात्मक जब होता है तब आती है, विकल्प में सीधे सीधे ऐसे पूछ लिया जाता है, लेकिन जब आए हैं तो इसकी व्याख्या जानते चलेंगे तो हमारे ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि ही होगी। अब ये आदिम भाव हो गया, दूसरी जो क्रिया है मैं इसको एक साइंस के हिसाब से भी समझाने का प्रयास करूंगा, फिर आपको शायद समझ में आ जाए। अस्ति इति, अस्ति का मतलब रहता है यानी है। अब कोई बच्चा जब जो अंकुरण था वो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा था, अब उत्पन्न हो गया है, इस तरह से इस मानिए इसको। तो उत्पन्नस्य, उत्पन्न का जो उत्पन्न है, सत्वस्य, सत्वस्य मतलब द्रव्य, यहां द्रव्य प्रयोग किया गया है, हमने सत्वस्य को बहुत अच्छे से जाना, बार बार यहां समझने की जरूरत नहीं है, आप जानिए सत्वस्य मतलब द्रव्य जो पदार्थ है। अवधारणम, उसका निश्चित, अवधारण का मतलब निश्चित, यानी कि बच्चा जो था पहली क्रिया में जायते माने उत्पन्न हो रहा था, उत्पन्न हो रहा है, दूसरी बारी अस्थि में उत्पन्न हो गया है, उसकी स्थिति है अर्थात वो सत्ता में है इस समय, इसलिए सत्व भाव आ गया, जो सत्ता रही जिसकी। सत्व शब्द कब बना? जब वो सत्ता भाव रहता है जिसमें, मेरी सत्ता है इस तरह से बोलते हैं ना, तो वो इसमें अस्थि कह रहा है कि उत्पन्न हुआ जो वो अब निश्चित है, हो गया। ठीक, विपरिणमति, अब जो भी अंकुरण पैदा हुआ, अंकुरण आ गया, अब अंकुरण हमारे पास मौजूद है, बच्चा भी हमारे पास है, अब कह रहे हैं कि विपरिणमति, अब परिवर्तन हुआ उसमें। अप्रत्यय मानस्य तत्वात, यानी जो तत्व है मूल तत्व, जैसे गाय का है बछड़ा या गाय का कोई भी बच्चा है, उसमें अब उसके शरीर में परिवर्तन हुआ, अंकुरण है, अंकुरण में अब वो पौधा बनेगा, लेकिन उसमें कोई भी अलग से उसका अपना अस्तित्व बना रहेगा, अपना अस्तित्व ना खो करके भी परिवर्तन होगा, अपना अस्तित्व नहीं खोएगा। गाय का जो बछड़ा है वो बड़ा होगा, उसके शरीर में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वो जब वो परिवर्तन होते हैं तो वो उसके स्वयं के परिवर्तन होते हैं, ऐसा नहीं कि परिवर्तन हुआ कि वो बदल ही गया, बिल्कुल उसका रूप ही बदल गया, ऐसा नहीं होगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हम पहचान पाएंगे ये क्या है, जो पैदा हुआ था वही है, अपना वो मूल तत्व को नहीं खोएगा, ये इसका तात्पर्य है विप्रणमते का। अब कहते हैं कि वर्धते इति, अब उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बाद में बढ़ेगा, बढ़ना है, वर्धते का मतलब बढ़ता है, अंकुरण है वो भी बढ़ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां हमने बच्चे की बात करी, ये मनुष्य का भी हो सकता है, पशु का भी हो सकता है, पक्षी का भी, किसी का भी हो सकता है। यहां पर दो चीज दे रखी है, स्वांग अभ्युच्चयम संयोगिका नाम व अर्थानाम, अर्थात बढ़ना दो प्रकार से होता है, इसका तात्पर्य है ये। प्रथम स्थान, प्रथम जो बढ़ना होता है वो होता है शरीर से, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है वो यश से बढ़ सकता है, विजय से बढ़ सकता है, या किसी और से भी बढ़ सकता है, यशस्वी भाव, यानी कि आपका यश बढ़े, यश हो, फैले, तो वो बढ़ना हो गया।
आप कहीं युद्ध में जा रहे हैं तो आपको विजय में भी बढ़ जाएंगे। तो विजय हो, विजय युद्ध से भी होती है, कोई प्रतियोगिता चल रही है उसमें भी विजय प्राप्त करें, ये भी उसका अर्थ होता है। तो ये विजय से, दोनों से लगा सकते हैं, शरीर से और विजय से। स्वांग मतलब शरीर और संयोग मतलब बाहरी तत्व से तात्पर्य है। इसमें दो चीजें, स्वांग अभियुक्त का मतलब है अपने शरीर से बढ़ना, संयोग का नाम से तात्पर्य है बाहर की जितनी भी चीजें हैं जिनमें विजय प्राप्त हो, वो अर्थ है इसका। तो वर्धते के दो अर्थ हैं, वो हमने शरीर से जाने और विजय से जाने, यानी कि वर्धते शरीरेण इति, वर्धते विजयेन इति, वा इसमें प्रयोग लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि वर्धते के समझ में आ गया होगा। अब आता है अपक्षीयते। अपक्षीयते में बोला है कि एते नैव व्याख्यातः प्रतिलोमम, जो हमने इसके ऊपर जो व्याख्या की है उसका ही उल्टा है। जैसे ये शरीर से बड़ा और ये विजय से बड़ा आगे, तो यहां पर क्षीण हो रहा है, यानी शरीर से भी क्षीण हो रहा है और उसको विजय से भी, उसको कहीं ना कहीं हार मिल रही है, हार जाना किसी चीज में, तो अपक्षीयते उस चीज को दर्शाता है। ये तो बहुत सरल है, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं विनश्यति, ये मुख्य है। जैसे इसमें जायते समझना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, कौन से भाग को जानना है, यानी कि जो पूर्व भाव से जो पहली क्रिया उसके आदि भाग को जानना है उसी को नाम जायते है। ऐसे ये कह रहा अपर भाव से आदिम आचष्टे, विनाश की, नष्ट होने की जो बाद वाली क्रिया है, विनाश तो हो रहा है, विनाश का एक क्रम है, क्रम में भी जो अपर भावस्य यानी क्रिया का जो अंत बाद वाला भाग है, आदिम उसके आदि का, इसमें यही समस्या आ जाती है, यानी बाद वाला जो भाग है क्रिया का उसके आदि को ये कहता है विनाश। नाश जो हो रहा है, किसी चीज का नष्ट होना, इसके लिए हम उसमें जा सकते हैं तर्क भाषा में, तर्क भाषा में इन चीजों को सही से समझाया गया, नाश होना किस चीज का, जैसे पट का नाश हो रहा है, तो पट का नाश जो हो रहा है वो अंतिम परिणाम नहीं है, उसके पहले तंतुओं का नाश हो रहा है, अपर भाव से तो उसमें हो सकता है पट का, तो उसके आदि में यानी तंतुओं का नाश हो रहा है तो उसको कहता है ये नाश, इस तरह से मान सकते हैं। ना पूर्वभावम अचष्टे न प्रतिषेधति, इसके पहले भाव को वो कहता ही नहीं, नाश के पहले भाव को नहीं कहता, ना ही उसमें कोई प्रतिषेध करता है, इस तरह से इसकी व्याख्या है। और इसकी कहीं कोई व्याख्या नहीं मिलेगी आपको, मैंने कोशिश की है, और अगर मिल जाए तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, जिससे कि मुझे भी थोड़ा समझ में आए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसको समझने के लिए थोड़ा हम विज्ञान में चलते हैं, ठीक है, और आशा करूंगा आपको विज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। यही समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये छह चीजें समझनी है। यदि हमने पर्यावरण को जाना होगा, पर्यावरण में थोड़ी सी बातें जानी होंगी या पढ़ा होगा कभी, तो थोड़ी सी बात ये भी समझ में आ जाएगी। ये क्रिया बिल्कुल यही काम कर रही है। पहले स्थान पर कोई चीज जन्मती है, जन्मने के बाद में वो अपने अस्तित्व में आती है, यहां सत्ता का मतलब, सत्व का मतलब वो अपने अस्तित्व में आती है, ये इसका तात्पर्य है। जब वो अस्तित्व में आती है तो उसमें फिर जब अस्तित्व में आ जाएगी तभी उसमें से परिवर्तन होंगे, उससे पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहला उसने जन्म लिया, लेकिन जन्म ये निश्चित नहीं है कि अस्तित्व में आए ही, वो नष्ट भी हो सकती है, इसीलिए तो कह रहे हैं वो अपर भाव से आचष्टे, अपर भाव को ना तो वो कहता ना इसको प्रतिषेध करता, हो सकता है वो उसमें नष्ट हो जाए जन्म लेते लेते, हो सकता है कि वो आगे जाके बहुत बड़ा पेड़ बन जाए। अब मैं इसमें दर्शन में नहीं आऊंगा ना, इसके बहुत उदाहरण मिल जाएंगे दर्शन में, जैन तीर्थकर में तो बहुत ही अच्छे से उदाहरण है,
बहुत बड़ा हो जाता है चीजों को। अब तीसरे स्थान पर परिवर्तन होता है, जब उसकी सत्ता हो जाती है निश्चित, तब उसमें फिर परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें अपने जो तत्व है उसको हटा करके दूसरे परिवर्तन हो जाए, ये कभी नहीं होगा। इसमें इसमें जो तत्व है वो तत्व रहेगा। परिवर्तन के बाद में फिर वो बढ़ता है, उसका बढ़ना हो जाता है, परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, तो वो बढ़ भी रहा है, शरीर से भी बढ़ता है, यश से भी बढ़ता है। अब इसको जब आप पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तब उसमें पता चलेगा, उसको एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसकी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये मेरा उद्देश्य है, इन क्रियाओं को समझ जाएं आप। उसके बाद में फिर एक चरम अवस्था आ जाती है बढ़ने के बाद। आयुर्वेद में भी कहा गया कि 40 से 50 वर्ष की अवस्था मनुष्य के शरीर के बढ़ने की होती है, और उसके बाद में वो फिर क्षीण होने लगता है शरीर। ये पांचवी अवस्था है जो अपक्षीयत है ना, यानी कि शरीर क्षीण होने लगता है। लंबाई अगर आपकी जिसकी 6 फुट है उसकी लंबाई भी कम हो जाती है 50 वर्ष के बाद में, धीमी धीमी कम होती चली जाती है। शायद इस बात को आप महसूस करें या ना करें, आपको पता चलेगा जब आप उसका ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके बाद में जब वो छीण होता है तब उसको फिर वो विनाश की ओर चलती है चीजें। अब वो कैसे हो गया, अपर भाव से आदिम आचष्टे, इसके अपर भाव क्रिया के जो अपर भाव है उसके आदि को तो ये कहती है, लेकिन पूर्व भाव आचष्टे न प्रसिद्ध, पूर्व भाव को वो नहीं कहती, कैसे क्या हुआ, नष्ट कैसे हुआ इसका, इस बात में वो कभी चर्चा नहीं करती। एक मनुष्य है, उदाहरण के तौर पर मैं अपने परिवार में ही लेता हूं, तो जो मेरी माँ है, मेरी माँ की लंबाई पहले बहुत ज्यादा थी, लगभग उनकी 2 से 3 ये उंगल जो है, 4 उंगल करीब लंबाई कम हो गई है, वृद्धावस्था में इस समय 75 पार कर दिया है उन्होंने। तो मैंने देखा है कि शरीर बढ़ता है एक सीमा तक, उसके बाद में वो अवक्ष यानी क्षीण होने लगता है, लेकिन विनाश की तरफ जा रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि अपर भावस्य आदिम, यानी जो अपर क्रिया है, क्रिया का जो अपर भाव है उसके आदि को तो वो कहता है, लेकिन आचष्टि न पूर्वम, पूर्व भाव को कभी नहीं कहता। पूर्व भाव में कैसे कैसे वो नाश को प्राप्त हो रहा है ये इसके समय नहीं आता, ना उसका वो प्रतिषेध करता है, हो सकता है बहुत सारे कारण रहे हो, इस तरह से ये क्रियाओं को समझा जा सकता है। तो मेरा जन्म हुआ, फिर मेरी सत्ता का भान हुआ, मैं अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आने के बाद में फिर मेरे परिवर्तन होने शुरू हो गए, परिवर्तन में मेरा शरीर भी बढ़ा, मेरा यश भी बढ़ा, उसके बाद में एक निश्चित सीमा आ गई, शरीर फिर ढलने लगा, अब क्षीण होने लगा, उसके बाद वो नाश को प्राप्त हो गया, फिर दोबारा से ये सर्किल चलता है। ये इसमें पूरी क्रिया है, और ये जितनी भी क्रियाएं हैं उनको इन्हीं भागों में बांट दिया गया है। आगे की जो 2 पंक्ति हैं उसमें कहा गया है कि दुनिया में जितने भी अर्थ हैं इन 6ों के अंतर्गत वो समेटे जा सकते हैं, अर्थात इन्हीं 6ों में उनको विलीन किया जा सकता है। आशा करूंगा 2 तरीके समझाने का प्रयास किया, ये मैंने अपनी तरह से समझाया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना, उसको सोचना है कि मैंने समझाया, उसको छोड़ करके सोच लेना का ये इतना भाग ही है, इतना ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।